बिहार में कोरोना के दूसरी लहर के चैन तोड़ने के लिए लागू किए संपूर्ण लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। प्रदेश भर में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पूरा प्रशासन महकमा अलर्ट है। गुरुवार को राजधानी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पटना के SSP जिले के DM संग खुद डंडा लेकर सड़क पर निकल पड़े। इस दौरान जहां एक तरफ गली कुची में बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, वहीं दूसरे तरफ निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने कई दुकानों को सील करने का आदेश दिया। अधिकारियों का मानना था कि अगर पटना में लॉकडाउन का मैसेज सही गया तो सभी जिलों पर इसका बेहतर असर नजर आएगा। गौरतलब है कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। अगले 10 दिनों तक लोग विशेष परिस्थितियों में ही अपने घरों से निकलना होगा। देखिए, आप लोग कल भी देखे होंगे, कल हम लोग ने कार्रवाई की थी और उसके बाद आज के भी आंकड़े हम लोग देखे कि पूरे देश भर में कितनी लोगों की जाने गई हैं और पॉजिटिविटी आज भी पटना की लगभग 2,500 के आसपास केस आया है, तो गंभीरता भी बनी हुई है। और हम लोग मेन रोड्स पे तो स्ट्रीमलाइन हुआ है सिस्टम, 11 बजे के बाद जो लोग निकल रहे हैं वो लोग आवश्यकता अनुसार ही निकल रहे हैं। ऐसा हम नहीं कहें कि बहुत सारे लोग बिना मतलब का इसका फ्रीडम का फ़ायदा उठा रहे हैं, कल भी हम लोग का एक्सपीरियंस यही था। लेकिन हम लोग आज बाईलेंस में जाकर देखना चाह रहे हैं कि जो दुकानें जिनको लिमिटेशन दिया गया है वो दुकानों में बेमतलब लोग समय की सीमा को बांध कर लांग करके ना खोलें, ऐसी शिकायत हम लोगों को कल मिली थी। कंकड़बाग के इलाके से मिली थी, जितने रिहायशी इलाके किदवईपुरी से मिली थी, कुछ किराना दुकानें अपनी दुकान खोल के रखते हैं तो उसको हम लोग चेक करने निकले हैं। अभी ऐसा यहाँ पे दलदली में हम लोग आए थे, अधिकांश लोगों ने बंद किया हुआ है, एक दुकान खुली पाई गई थी उसके ऊपर हम लोग 188 में FIR भी करेंगे। और बाकी सबसे आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि नियम का पालन करें। 10 दिन का लॉकडाउन, जैसे अगर परेशानी है तो अगर ज़्यादा कड़ाई से करेंगे तो 10 दिन में नहीं पड़ जाएगा, अदरवाइज हो सकता है कि इसको आगे बढ़ाना पड़ सके अगर स्थिति भयावह होगी तो। सहयोग की जरूरत है, बहुत ज़रूरत है लोगों की सहयोग की, और इस तरह की कवायद की गई तो लोगों का सहयोग बहुत वांछित है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है, अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। The Royal Fashion, a beautiful collection of ladies' garments and boutique. UB Tower, Ground Floor, Saraiyaganj, Muzaffarpur. Ya call karein 82101-96723. The Royal Fashion, kyunki fashionable dikhna har kisi ka hak hai. इस न्यूज़ के सहप्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती, बाबा लहठी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर, चंद्रान IAS एकेडमी, मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम भुजिया वाला, चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड, जियो जिंदगी बेहिचक, उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल, वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर, जवाहरलाल रोड, मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।